बाबा नागराज खड़े अपनी मुंह में की तरफ हमने लाके रख दिया है। अच्छा अच्छा ठीक है। हम क्या करें उसमें बाबा की जो आत्मा मतलब जो तूफा की आत्मा है ऐसा नाम क्या हम ना बताए ना जब हमका पेशाब नहीं करा रहे तुमका इतना हल नहीं वो है विश्वास लेकर कसम खवा दिन उनका बाबा नागराज यह तो सब पेशाब तो कह रहे यार गाड़ी ही मुतई अरे गाड़ी नहीं है गोपाल जी गोपाल जी हो कहाँ जी हो दादा कहाँ जी हो कहाँ जी हो सोहरा हो यार कै लोग हो अकेले हैं बैठो कै पैसा है कै रुपये सवारी दे सवारी भैया 20 रुपये लेते रहते चलो बैठो बैठो आगे बैठ जाओ दादा कहाँ जी हो हवाई अड्डे तक जाएंगे नंदगंज कहाँ तक जाएंगे बैठो दादा बैठो सीट बेल्ट लगा लो सीट बेल्ट सीट बेल्ट लगाओ हाँ यहाँ आइए अरे नहीं ऐसे नहीं कैसे ऐसे लगाओ देखो जिसे हम बताए हैं अच्छा ऐसे अरे नहीं अभी वो गलत है अच्छा तो लगाओ अच्छे अभी वो गलत है दादा हाँ अरे अभी वो गलत एक मिनट रुको हम लगाए थे कैसे लगा लो ये जाहिर भाई अब जो है ये अच्छा ये अब जो है दादा आप एकदम भैया दिया का नाम दादा हमें भगवान दीना देखिए नाम बारात की नाम की बात सोने गाँव में रहा दादा ये रही थे ककड़ा पथरा ये वहाँ पर पड़ता था यो का जो रानीपुर तन जो यो ऐसी का रानीपुर सोहा सुहा रानीपुर कटवा हाँ हाँ कटवा कटवा हमारे गांव पर एक ही भैया लगा तो ऐसी भैया कहाँ जा रहे लखनऊ इधर जा रहे हैं दादा अपनी बुआ के गांव अच्छा दरअसल बुआ हमारी थोड़ी समस्या में है अच्छा समस्या में क्या अभी हमारे जो फूफा थे हाँ तो उनको जो है एक आदत बहुत खराब थी फूफा की हाँ आदत ये थी फूफा जो है रुक रुक कर मूंदते थे अच्छा मतलब एक नॉर्मल आदमी मूंदता है तो एक बार मूंद लिया सही बात और फूफा क्या था मूंदते चले जाए नहीं नहीं मतलब मूंदते थोड़ा फिर रुक जाए अच्छा फिर मूंदते फिर रुक जाए फिर मूंदते फिर रुक जाए मतलब वो जो लाइन हो जाती ना पानी गिरने की पेशाब गिरने की वो हम लोग मुड़ते तो बिल्कुल वो धारा गिरती गिरती रहती है एक धार बांध के नहीं गिरता था मुड़ते जब चूल्हे से थोड़ा सा मुड़ते फिर रोक दिए फिर रोक दिए फिर रोक दिए तो और वो जो है हमारे बुआ के छत के ऊपर से लाइन निकली अच्छा बत्ती की बत्ती की अब आपने देखा होगा हर जगह केबल वाले तार पड़े हैं लेकिन बुआ के घर के पीछे से जो निकली है वो नंगे वाले तार है पहले वाले वो खतरे पर है तो फूफा की एक सबसे आदत ये खराब है कि वो तारों पे मूंदते थे ठीक है अब उनका जो है जब हमने इधर उधर पता किया डॉक्टरों से कि भाई इनका रुक रुक के क्यों आता है पेशाब तो डॉक्टर जो है डॉक्टर सोचू नाम हाँ नाम ही डॉक्टर सोचू हैं उनसे परिचय करवाया भाई ने और जो है फिर उनको लेके गए उनका इलाज करवाया गया दवा पानी हाँ तो उनको जो रुक रुक के पेशाब आता था तो वो जो है सही हो गया सही हो गया हाँ और फूफा को ये बात पता नहीं हाँ कि सही हुआ कि नहीं
तो फूफा जो है छत से खड़े होकर के उसी तार पे पेशाब कर, तो जब पेशाब करने लगे और जब उनका भाई इलाज हो गया था, कंप्लीट हो गया, तो वो जो सर्किट रुक रुक के आता था वो सर्किट कंप्लीट हो गया, तो उनको जो है शॉर्ट लग गया लाइट का, तार पे मूंग रहे थे, लाइट आ गई, भाई कट कट पहले रुक रुक के आता था पेशाब, तो उनको करंट नहीं लगता था, और जब एक धारा में आने लगा तो भाई तो वो उनकी हो गई मौत। हाँ वो जो है खत्म हो गया अभी कुछ टाइम पहले, लेकिन अब जो है अब एक हमारे गुरु हैं बाबा नागराज हैं, वो जो है बताएं कि उनकी आत्मा जो है इधर उधर भटक रही है, तो उनकी आत्मा जो इधर उधर भटक रही है उसको मुक्ति दिलाने के लिए, और फिर वो इधर उधर समझते हुआ सपोर्ट लगाते भी हैं। हाँ तो जो बाबा नागराज हैं वो बोले हैं कि किसी आदमी को लाओ दो तीन नींबू लाओ, और नींबू लाने के बाद मैं फिर मंत्र उच्चारण करूंगा और जो है नींबू काटूंगा उसी तार पे एक, और जो है फिर जो जिस आदमी को लाओगे उस आदमी से मुकवाया जाए तार पे, तब जाके आपकी आपके फूफा की आत्मा जो इधर उधर भटक रही है तो जो है वो फिर शांत होगी। अरे कौन काम हुआ अभी? यहीं आगे सौसूपुर पड़ता है, तो आप जो है हमको सज्जन आदमी लगे, सज्जन आदमी आप थोड़ी सी मेरी मदद कर दी। रॉक बताइए हम जो गाँव के लेंगे कहाँ? अरे फोन आप नहीं कर ली ना बात तो यार। अरे दादा फोन आपको करना, लो फोन हम मिला का वो लौंडे के पास नंबर बताओ आपका, मुझे जवानी नहीं मालूम लौंडे के पास है पीछे रोको, तो डायरी डायरी है आपके पास? हाँ वही लौंडे लगे बात की कर ला, एक मिनट एक मिनट रोको, तो नहीं तो लौंडा फिर रखता देखिए यार, रखता देखिए आगे आगे दुकानें भी हैं? नहीं पीछे। क्या नाम है दुकान वाले भैया का? अरे हमका नाम नहीं लौंडे में दुकान में काम कर रहा, तो पैसा यहाँ बात के लिए भाई रोको, तो अभी तो आप कह रहे थे सो रहा नहीं सो रहा हूँ, तो जाहिर कहे बात को ही देते बता तो देंगे ड्यूटी के रहा आपको जो है यार हम दादा आप आपकी बताओ आप, खाली, आप उनके खाली बात कर ले कहते भैया लगी इंतजार करिए यार आज हमारे साथ हमें हेल्प किएगी आप थोड़ी सी मेरी मदद नहीं तो रुको तो बस भाई कहूँ रुको हम थोड़ी खुल के बात कर ले यार आप मुझे लग रहा है डर रहे हैं नहीं हम डर रहे हैं कुछ गलत कह रहे हैं गलत नहीं मगर हम पर यार बात तो पहले दो यार कम से कम सुनिए तो हाथ तो मैं जो है दादा हाथ तो चलती तो बाबा जो नागराज हैं बहुत बड़े तांत्रिक हैं बात ठीक है मगर भैया तो बात कृपा करा लेते हो हमारे लड़का कहा गई के चूतिया बने तो उनका बनाया हुआ है आप वो तो काम कर रहे हैं ना यहाँ पे आप कह रहे हो पहले कह रहे थे आप वहाँ पे हैं नहीं यहाँ पे है हमका जाना है कौन से होटल में काम करते हैं बताओ ये चंदेल ढाबा अरे ये तो मेरे चाचा का ही है चले चंदेल वाला कौन सा ढाबे में काम करते का? चंदेल ढाबा कमला होटल क्या नाम है नाम तो पता होगा ना आपको अरे कमला का कुछ नाम है भैया कमला होटल वो भी हमें अच्छी तरीके से जानते हैं चंदेल ढाबा वो भी हमें जानते हैं और ये जो प्रधान ढाबा है ये भी हमें अच्छे से जानते हैं ये प्रधान वाला और क्या खाली तुम बात खाली कर ले बात हम चल देवे सुनिए हाँ।
दिक्कत नहीं, हम बात खाली कर लिया, हमारा लड़का वहाँ भड़बड़ाई दिया, कोई बात नहीं। अरे 5-10 मिनट का काम है वो, तो 12 ड्यूटी कितनी देर, 12 घंटे करते होंगे ना, और यहाँ रहते भी होंगे फिर तो, यहाँ पे रहते भी होंगे ना वो तो। मगर कहाँ पर रोक दूँ आप, पीछे कहाँ होटल में नहीं रोके, आगे होटल हुआ क्यों है होटल, आगे कौन सा होटल है बताओ। ये घूमो लड़का रहता है और सचू भी काम करते हैं, ये वाला एक आगे होटल है, इसमें तो काम नहीं करते। हाँ इधर भी टंकी पास एक इस तरफ है, हाँ तो इधर घुमा के लाए, घुमा लेने तो हम बोल पाते के हाल दो, हाँ दो घुमा जी इधर खड़ी करो। अरे खड़ी क्या करना है, इधर घुमा देते हैं ठीक है। ये वाला होटल तो नहीं है, इसमें कौन काम करता है। अरे लड़का कितना है, छोटा लड़का रोको तो हमारे लौटती है, बोले साहब हम कहा काम काम कराओ नहीं इधर, तुम हमारे का विश्वास नहीं पर थोड़ी मदद करोगे। हाँ चलो खोलो, खोल तुम अरे खोल दो, प्रसाद साहब कर गई उसी बात के आ रहे हूँ, चाय बनाया तुम तो विश्वास नहीं जाओ ना जाओ पक्का कसम खा ली का लो इधर और क्या बताइए ज्यादा भैया। सुनिए सुनिए हेलो, इसमें क्या है आगे वाले नहीं है क्या कि आपने देखा होगा बाएं तरफ घर। हाँ हाँ तो हम आ रहे हैं ना, हाँ भैया आ रहे हैं, हाँ तो आई तुम जाओ वहाँ पे पैसा भी नहीं दीजिए मात्र। हाँ चलो बाबा ने आज खड़े अपनी नींबू मिर्ची सब हमने ला के रख दिया है। हाँ क्या रखते हैं उसमें, बाबा की जो आत्मा मतलब जो फूफा की आत्मा है वो दो आदमियों को थोड़ा नुकसान कर गई। अच्छा तो उन्होंने बोला है जो बाबा नागराज है इस बार उन्होंने आत्मा को जो है कैद कर लिया अपने मंत्रों की जगह से फॉलो, तो बोले एक बार ले आओ तो अभी वहाँ रहने भैया विश्वास करो कसम खा नहीं लग गया कसम खा ली और क्या बताइए तुम्हें क्या लगता है। हम जो कह रहे हैं उम्र देखो आप मात्र तो हम आ रहे हैं चलो भैया हम सब के लिए आज बात की तो वही मुताते ना आपको चलिए तुम रुकिए आ गया ना अरे रुकिए तो यार तुम तो बात नहीं मान यार मुतासे को मुती ना अरे बोलो यार तुम यार विश्वास करो यार कसम खा ली का नहीं तुम तो बात की बात करो यार। अरे दादा अरे तो खोलिए तो यार अरे मात्र 2 मिनट विश्वास नहीं तुम्हारा यार हम कह रहे हैं कसम खा ली लड़का की अब इतने आगे बताओ काम करिए उम्र देख बात करो। अरे अच्छा बताओ हम आपको कुछ गाली दे नहीं गाली हम गाली कुछ नहीं दे तो हम कहा तुम खा लो तो मारो तो बता क्यों नहीं चल रहे मुझे बता दी तुमका विश्वास नहीं तो कहाँ पे है आपका लड़का किस होटल में। अरे यही जगह है वो हमारा उधर से घुमाते हैं तुम खड़ी करो गाड़ी मार रहे यार उधर से घुमाते हैं रुको गाड़ी यार तुमका विश्वास नहीं यार काम है यार जो किया था पेशाब तो कह रहे यार गाड़ी ही मुतई अरे गाड़ी नहीं है रुको रुको पेशाब करनी लो बोतल लो बोतल उधर है। अरे बोतल नहीं रुको तो रुको भैया चल लड़का कसम खाई लड़का कसम खा रहे तुम यार गाड़ी नहीं रोक रहे 2 मिनट खाती ऐसा सुनिए आपका कसम नहीं खोवा रहा आपका हमका रोक दो हम ना ही तब कहो हाँ बाबा जी तुमको विश्वास नहीं। हाँ हाँ आप जो है सारा रेडी रखिए मारे हम जो है बस कसम यार खा लिया तभी यार तुमका नहीं लड़का कसम खा रहे नहीं एक सज्जन दादा जी हैं भूले हैं कर देंगे लड़का कसम खा रहे हैं ना तब हो यार। हाँ हाँ बिल्कुल आप रेडी कर लो सारा मंत्र वंत्र वगैरह जो भी है रेडी करो आप फालतू बस आ रहे हैं। हाँ हाँ बस दो बस 5 मिनट भी नहीं लगेंगे भैया। हाँ बताओ बाबू लड़का कसम खा रहे कसम खा रहे हैं लड़का कसम खा रहे खोल दिया। अरे तो वहीं पे अरे पेशाब तो पहले यार अब घर पे करो घर पर नहीं यार कर दे यार बात बात। हाँ बाबा ना कर तो चल ना भैया अरे यार तू यार हाँ हाँ बस एक बड़ा रेडी हो ना माला वाला बना लियो लड़का कसम खा रहे हैं तो नहीं नाम क्या बताया लड़का कसम खा रहे हैं यार नाम क्या हम ना बताए ना जब हमका पेशाब नहीं करा रहे तुमका इतना यार नहीं वो विश्वास लड़का कसम खवा दी ना उनका।
अरे चाचा प्रसन्न हम का रोको तुम्हें आप नाम क्या बताए थे बताओ। हमारा नाम हम कुछ नहीं हमने बताए कुछ तुम अब जो कसम खा रहे हैं चाचा आप ये बताओ नहीं रोको तो हम आप बताओ मदद कर सकते हो ना थोड़ी सी मदद तो हम मदद क्या करें कहीं चले तैयार है रुकियो तुम ये वाला मकान अरे मदद के हम काम करके नहीं करें भैया मगर हम का कहूँ बात नहीं करे दे रहे बाबा जी तो सामने का क्या बताया अरे कह रहे हैं हाँ ठीक वहीं ले आए वहीं कह रहे हैं चाचा से कि घर पे करवा देंगे आपको। मान लो हम चले गए ना कहीं तो पहली बार चूतिया बना रहे हो यार तुमने भैया ठीक बिल्कुल बिल्कुल हाँ ठीक है आ गए बस अरे एक मिनट रोक नहीं रहे हो ना गेट खोल रहे हो तो एकदम जबरदस्ती ऊपर हम जब चले कर लड़का बाबा जी कसम खा दिया तुमने भैया यार सब बात भूपा की आत्मा जो है बहुत भटक रही है जब भूपा भटक रहे दूसरे को जो भटका रहे हो तो भूपा कहा है हम कहीं कसम लड़का खवा दिया यार हेलो गाड़ी गेट पे ले आए और जल्दी हेलो तुम ना मुझे दे ये यार का जान लो यहाँ कहा यार हमारे गाड़ी गेट पे ले आए जल्दी आओ नहीं चाहता आपकी जान ले लो भैया जान मतलब आदमी कोई विश्वास है नहीं चाचा उम्र के हिसाब से कोई विश्वास है अरे चाचा हम आपको कह रहे हैं परेशान मत हुआ चाचा अरे परेशान वाली है ये क्या दिक्कत है जबान साली सुखा लग तुम हाथ ज्यादा कोई बतलाई थी तुमका पानी पिए जब वहाँ पर हमने पानी पिया तुमका प्रसाद पड़ा वहाँ फंसे हम भागी तब कहो यार उनका तुमका विश्वास है नहीं भाग जाओगे ना भगब लड़का कसम खा लिया तब हो यार तुमका नहीं विश्वास है दे के जाओ चलो ना अंदर तो खुलियो तो हम हो जाए उठा लिया तो क्या दिक्कत है खुलियो तो हम ये रुको हाँ रुको खा लो तो क्या बताऊँ लड़का कसम खा लिया हम आज जिंदगी में आज कसम खावा है तुम मान लो कबो कसम नहीं कबो कसम खावा है ना मगर तुम यार दोस्त कसम खावा लड़का की डर गए डरा वाली बात है कई दिनों हमका मुझे वाली बात है हम कहा है किनका मगर तुम यार कसम खवा दियो लड़का की बड़ी अच्छी बात करा दी कसम हमने कहा खाओ आओ का हमने कहा कि रोको तो पेशाब साफ कर लिए तुम जानने को नहीं भाग जाएगा जो मैं कह रहा हूँ कि भैया रुको हम चल रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं मगर हाँ उनका भी साथ है नहीं अब आपको ले चले ओरिजिनल घर का करियो भाई बाबा नागराज जो करेंगे चलो भैया मार जा रहे हो पापा यार ज्यादा आराम से बैठो करो मत सुनिए हम दे नहीं रहे करा रहे हो बताओ उम्र देख कर ज्यादा हुई क्या माहिर और पेशाब करनी और तुमका पेशाब बताओ चलो कौन तरीका है मगर पता नहीं तुम्हें कहा विश्वास नहीं ना उनका अरे हम इंसान है यहाँ एक तुमका देख कर भाई हमका चलो आदमी बढ़िया कोई बात नहीं मगर तुमका कौन आगे कराते हैं पेशाब पहली बार लड़का कसम खा लिया भैया लड़का कसम खा रहे हैं मगर तुमका वहाँ नहीं विश्वास है क्या बताऊंगा आप भागोगे नहीं ना भाग के कहाँ जावे भाग का जो है भाग कर देख तो ऊपर बैठी क्या गाड़ी ये ले जाओ कर ले तुमका कसम तो खवा दी लो आप फल तो हम आपको बोले ही नहीं कसम हम बोले आप कसम मत खाओ वास्तव करो साफ करवाओ रुको रुके रुको और चलो जाओ करो गेट भागना नहीं जाता अरे कहाँ गेट खोलियो जाओ कर लीजिए अरे गेट बंद कर दे ऐसे कर लियो नो 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 भैया चाचा जो है वो गए भग और मुझे लगता नहीं था कि चाचा रुकेंगे चाचा गए हैं भग भाई वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें अब चाचा गए हैं भग।